करेंगे इसके लिए। तो आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा की 10 सबसे फाड़ू फिल्मों के बारे में जिसे देखने के लिए लोग कह रहे हैं। जान दे देंगे इसके लिए। बाहुबली 2 महिष्मती के सिंहासन की कतार में अगले नंबर पर आने वाले अमरेंद्र बाहुबली को अपने जीवन और रिश्तों के लिए खतरों का सामना करना पड़ता है जब उसका दत्तक भाई भल्ला देवराज को जब्त करने की साजिश रचता है। बाहुबली एक भारतीय फिल्म है जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। इसमें प्रभास, अनुष्का शेट्टी, राणा दुगबती और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में हैं। कहानी अंतरराज्य के युद्ध पर आधारित है जिसमें बाहुबली अपने राज्य महिष्मती को बचाने के लिए संघर्ष करता है। इसमें सस्पेंस, कलाकृति और महायुद्ध भरा है जो इस फिल्म को महत्वपूर्ण दर्शनीय बनाता है। जवान जेल वार्डन कैदियों को अपराध की चरम कृत्यों को अंजाम देने के लिए भर्ती करता है जो भ्रष्टाचार और अन्याय को उजागर करता है। अंततः उसे अप्रत्याशित पुनर्मिलन की ओर ले जाता है। 1986 में कैप्टन विक्रम राठौर भारतीय सेना की स्पेशल ऑप यूनिट में कमांडो थे। उन्हें एक ऑपरेशन पर भेजा गया था जिसमें उनकी टीम को खराब हथियारों के कारण हताहतों का सामना करना पड़ा। विक्रम और उनकी टीम ने एक युवा काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की जो समय हथियारों का आपूर्ति करता था। दंगल पूर्व पहलवान महावीर सिंह पोगार और उनकी दो पहलवान बेटियां समाज के उत्पीड़न के बावजूद राष्ट्रमंडल खेलों में सफलता के लिए प्रयास कर रही हैं। भारतीय जीवनी पर आधारित फिल्म दंगल सिंह के जीवन और उनकी बेटियों की सफलता की यात्रा पर आधारित है। आमिर खान ने महावीर सिंह पोगार की भूमिका निभाई है जबकि फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा ने उनकी बेटियां गीता और बबीता की भूमिका निभाती हैं। पठान एक दृढ़ भारतीय ऑपरेटिव समय के खिलाफ दौड़ में है जबकि उसे व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित एक निर्दयी किराए की बंदूक का सामना करना पड़ता है जो देश पर विनाशकारी हमले की योजना बना रहा है। पठान की कहानी कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया है। वह भारत के निर्णय और उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह की सराहा लेता है जिसका सरगना जिम जॉन अब्राहम एक रॉ का जामाज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था। ईगा मारा गया एक व्यक्ति मक्खी के रूप में वापस जीवित हो जाता है और अपनी मृत्यु का प्रतिशोध लेने का प्रयास करता है। एनिमल एक कठोर पुत्र प्रभावशाली व्यवसायी आता है एक के बाद एक अपनी मातृभूमि में वापस विदेश में विस्तारित समय और क्रूर प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा उन लोगों के खिलाफ जो खतरा पैदा करते हैं। अपने पिता की सुरक्षा के लिए फिल्म एनिमल पिता पुत्र के रिश्ते पर आधारित है और इस रिश्ते में तनाव है। रणविजय सिंह रणबीर कपूर अपने पिता बलबीर सिंह अनिल कपूर को बेहद चाहता है लेकिन बचपन से ही शिकायत है कि उसके पिता ने उसे कभी समय नहीं दिया और करोड़ों की लागत वाली कंपनी को खड़ा करने में ही लगे रहे। रणविजय का व्यवहार बेहद ही आक्रामक है। RRR स्वतंत्र भारत से पहले की इस महाकाव्य कहानी में एक बहादुर सेनानी एक खतरनाक खोज पर निकलता है और उसका सामना एक दृढ़ पुरुष अधिकारी से होता है जो ब्रिटिश सेना की सेवा करता है। फिल्म RRR की कहानी की बात करें तो यह 1920 में सेट की गई है। उस दशक में आज़ादी से पूर्व भारत के आदिलाबाद जिले में मल्ली को उसकी प्यारी आवाज के लिए अंग्रेजों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। भीम जूनियर NDR को उसे वापस लाने का काम सौंपा जाता है जबकि रामचरण को उसे पकड़ने का काम मिलता है। स्वदेश एक विजयी भारतीय वैज्ञानिक अपनी नानी को अपने साथ अमेरिका लाने के लिए एक भारतीय गाँव में वापस आता है और ऐसा करते हुए वह अपनी सांस्कृतिक विरासत के फिर से जुड़ जाता है। KGF चैप्टर 1 1970 के दशक के दौरान रॉकी नाम का एक अंडरकवर गैंगस्टर मालिक की हत्या करने के इरादे से गुलाम के रूप में खुद को कुख्यात सोने की खदान कोलार गोल्ड फील्ड्स में घुसपैठ करता है। कहानी का पहला पन्ना 1951 का है। उस वक्त KGF शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर कुएं की खुदाई के दौरान अजीब सा पत्थर मिलता है। उस पत्थर की जाँच के लिए सूर्यवर्धन के साथ सरकारी अधिकारी जाते हैं। जाँच के दौरान जैसे ही पता चलता है कि उस पत्थर में सोने के अंश हैं तो सूर्यवर्धन सभी अधिकारियों को जान से मार देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।